बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राबीज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। व्यूअर्स कैसे हैं आप, उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरी आज की वीडियो लुकआउट के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। पाकिस्तान के मुतद्दिद इलाकों में लुकआउट के बागात पाए जाते हैं। लुकआउट में विटामिन ए बी सी होता है। शिद्दत के साथ प्यास महसूस होने पर मतली या कह में लुकआउट या इसके शरबत का इस्तेमाल यकीनी फ़ायदा पहुंचाता है। गर्मी दानों में भी मुफीद है। बवासीर के मरीजों के लिए ये किसी नेमत से कम है। डायबिटीज़ के मरीज भी इसका इस्तेमाल बग़ैर किसी खौफ और डर के कर सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद मिठास नुकसानदेह नहीं होती। लुकआउट के पत्ते इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को ताकतवर बनाने की सलाहियत रखते हैं। फूल और फल गुच्छों में लगते हैं। ये दरख्त अंग्रेज हिंदुस्तान में लाए थे। ये मौसम गर्मा का मशहूर फल है। इसका पौधा सदाबहार कहलाता है। गर्मियों में जो तबीयत निढाल हो जाती है इसमें फरहत और सुकून देता है। लुकआउट एक गोल छोटा नाशपाती जैसा फल है। इसकी जल्द पीले रंग की है। इसका जायका खुबानी या चेरी जैसा है। इसका जैम, जेली और जूस भी तैयार किया जा सकता है। पत्ते, बीज और लुकआउट बहुत सारी दवाइयों की सिफात से भरे हैं। दिल की सेहत को फ़रोग देते हैं और डायबिटीज़ से बचने में मावन है। इसमें बहुत सारी पोटेशियम होती है जो कल्बी निज़ाम में खून की शरियानों की मदद करते हैं। इससे खून की शरियानों में दबाव को कम किया जा सकता है। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को महफूज रखने में मदद करता है। ये कैंसर से बचाता है। लुकआउट इन फलों में से एक है जो हमें विटामिन सी की सेहतमंद खुराक मुहैया करता है। खून के खुलियों को तैयार करने में मदद करता है। लुकआउट में एक खास किस्म का ग़िज़ाई रेशा है। ये कब्ज, इसहाल या पेट के दीगर मसाइल को ठीक करता है। सोजिश और आंतों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हड्डियों की अच्छी सेहत को बरकरार रखना मुश्किल है। लुकआउट हड्डियों की अच्छी सेहत को बरकरार रखने में मावन साबित हो सकता है। आयरन हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। आयरन हमारे जिस्म के सुर्ख खुलियों में हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लेकर जाता है। इनसे तवनाई पैदा होती है। लुकआउट में आयरन की आला सतह है। बीमारी में जल्द सेहतयाब होने में मदद करता है। लुकआउट की चाय कभी कभी इन लोगों के लिए तजवीज़ की जाती है जिनको डायबिटीज़ में ब्लड शुगर कम हो जाता है। इनमें मौजूद विटामिन ए आँखों की सेहत के लिए अच्छा है। विटामिन ए मोतिया के खिलाफ हिफाजती रुकावट की तरह है। सूखी आंखों का इलाज करने के लिए भी विटामिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जिस्म में सोजिश से लड़ने की खसूसियात भी हैं, जैसे सीने में सोजिश, मुस्तकिल खांसी। लुकआउट कम कैलोरी वाला खाना है। इनमें हर तरह के मादनियात और विटामिन्स होते हैं। ये मेमोरी की खराबी को कम करते हैं और असाबी तनाव को रोकने में मदद करते हैं। ये फल वजन घटाने में मदद देता है। डाइटिंग करने वालों के लिए मुफीद है।
इसका इस्तेमाल आदमी को स्मार्ट और चाको चौबंद रखता है। इसमें मौजूद विटामिन सी चेहरे पर ताजगी लाता है। सर्द मिजाज है, इसे हमेशा छील कर खाना चाहिए। गले की तकलीफ से बचने के लिए नमक लगाकर खाना मुनासिब है। ये हलक को नुकसान देता है और खांसी पैदा करता है। बलगमी मिजाज वाले इसका इस्तेमाल कम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।